रस तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रथम सुमिरि जगदीश कोयर गुरुपद शीसनबा बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। सुनाए हमने पवन सुत जहां राम की हो वे याद आप रहते वहीं पर तू के सब मरिया। तो राम कथा अब होता है आओ वीर हनुमान आय सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरि हर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यासी के पुत्र समझा रहे थे राजन। भगवान श्री राम के बारे में कि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस और जगदीश रामायण के अनुसार अयोध्या में महाराज अज के जो पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के घर में तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन दशरथ के घर में रानियों के गर्भ से जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए थे, मन ही मन में महाराज दशरथ ने एक बात सोची है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, एक बार और भूपति मन महाराज दशरथ ने यही सोचा
मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथा पन आने में लग गया, लेकिन हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और इसी बात को सोच करके महाराज दशरथ बड़े उदास हुए। गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं, उनके चरणों पर अपना सर रख दिया तो ऊपर उठाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। वशिष्ठ कहते हैं, दशरथ बात क्या है, आज बड़े उदास लगते हो? तो वही बात समझाई महाराज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और बड़े दुखी होकर के दशरथ ने एक बात और कही, महाराज मैं तो कुछ और सुनता हूं। क्या? कि सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं, बात कही है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, दशरथ तुम हमें ये बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार तुम्हें किसने दिखा दिया? और देखा जाए तो पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है, प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। जरा सोचो, घर में अगर सपूत की जगह पर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सबको डूब देगा। कभी कहते हैं कि पुत्र भी एक प्रकार के नहीं होते, पुत्र चार प्रकार के होते, सत्र पुत्र, ऋणी पुत्र, उदासीनता पुत्र और सेवक पुत्र। सत्र पुत्र तो वो होता है जैसे पूर्व जन्म में अगर हमारी किसी से शत्रुता रही है तो वो इस जन्म में पुत्र बनकर के आएगा, तब शत्रुता निभाएगा। ऋणी पुत्र वो होता है पूर्व जन्म में अगर हमारे ऊपर किसी का ऋण रहा है, हमने किसी कार्ड बस उसे नहीं दे पाए तो वो इस जन्म में पुत्र बनकर के आएगा, तब हम उसे खिलाएंगे। उदासीनता पुत्र ऐसा होता है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो माता पिता के पास में, और जैसे ही शादी भई माता पिता से कोई लेना देना नहीं। एक कभी तो ये कहते हैं कि लड़का बेटा पुत्र में भी बहुत बड़ा फर्क है। लड़का तो वो होता है जो हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहता है, कभी बंटवारे के पीछे बोले भाई को ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया, इसमें मेरा इतना हिस्सा था, हमें तो चाहिए ही चाहिए। और बेटा का दर्जा लड़के से थोड़ा ऊंचा होता है, माँ बाप ने जो दे दिया उसी में फसल ली। देखो तुम परेशान मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। और जब तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों की गर्भ से पुत्र होंगे। भाई हुआ, महाराज दशरथ जब घर पर आए हैं, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और वशिष्ठ को भी बुलवाया, आंगन में जब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र
की रचा। आंगन में जब पुत्रेश यज्ञ रचा तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया दशरथ, तुम इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को खिला देना तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्रों में। महाराज दशरथ ने वही किया, वो खीर का कटोरा जब अपने हाथ में लिया, महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, कब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह, और इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया, और जब रानियों को अपने नजदीक बुलाया उस खीर का जब बंटवारा किया तो पहले उसके दो भाग किए, तो अरब भाग को संगे दीना, अरब भाग को संगे दीना, उबई भाग आगे करकीना, आधा ऐसा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो केकई और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हम सबसे बड़े हैं और हमें सबसे ज्यादा मिला है, सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाएंगे, अपने में से आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर दी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े कल बहु चोर जुआरी जेलम पट पर धन पर नारी, मान हे मात पिता नहीं देवा साधु नसन करवा वैसे, अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे, विद्वानों का सम्मान नहीं होता, जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवार में मार देते, महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते शराब, और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है प्रभु अब हमारी रक्षा करो। कि तेरा सुनाई तकारी और वो पे पीर पड़ी अति भारी, तेरा सुनाई
आवाज जब लगाई है तो भगवान ने आकाश बाणी की है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुला, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया धीरे 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 जब कुछ समय बीता है तो खीर खाने के ठीक एक बरस के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि नौमी तिथि श्री राम जब इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्राम। वो ये कहते हैं जब श्री राम का अवतार हुआ श्री राम जब इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि ना ही अधिक धूप है ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है। महाराज दशरथ को खबर दी है कि कौशल्या के पुत्र हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और महाराज दशरथ भागे भागे चले आए। महाराज दशरथ सबको दान देने लगे। चौपाई का सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको दान दिया और जिसने दान लिया उसने अपने पास नहीं रखा, एक शंका की बात है। क्या जो लोगों ने मांगा वो दशरथ ने नहीं दिया या दशरथ से कुछ लोग घृणा करते थे? सर्व सुदान दीन सब काऊ और पावा सब राखा नहीं था। महाराज दशरथ जो थे ये प्रभु श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए कि सर्वस्व श्री राम को ही समझ बैठे, सबकी झोली में श्री राम को ही डालते चले जाते हैं, लेकिन पावा सब राखा नहीं था। लिया तो सबने अपने पास किसी ने नहीं रखा। महाराज दशरथ ही खुश नहीं है बल्कि अयोध्या के नर नारी बड़े खुश हैं। जब ये सुना कि दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ तो कोई ढोलक लेके भागी, कोई घर से ही नाचते भाई भागी और आंगन में बधाई बजने लगी। I'm a geeky man.
आंगन में बधाई बज रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ बहुत खुश हैं, दशरथ ही नहीं बल्कि अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं, और अयोध्या के नर नारी ही नहीं देवियां और देवताओं ने जब ये देखा है कि अवतार हो गया तो ये भेष बदल बदल करके आते हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए। सजी सजी कर से जय सकल